मुंबई के विद्यार्थियों को यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे के एग्जाम की तैयारियों के लिए रिलायबल एकेडमी और टाटा नेल्को द्वारा हाईटेक वीसेट की ग्रैंड लॉन्चिंग यह देखिए मुंबई के सहारा होटल में शानदार ढंग से की गई। इस ग्रैंड लॉन्चिंग में टाटा नेल्को के साथ मुंबई के टॉप 100 कॉलेजों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रविंद्र शिवसेन, स्पेशल आईजी महाराष्ट्र राज्य, ह्यूमन राइट कमीशन संजय गुप्ता, टाटा नेल्को के टेक्निकल हेड, विविध एजुकेशन सेंटर के विनोद गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का आयोजन रिलायबल एकेडमी के चेयरमैन एवं फाउंडर मनोहर पाटिल जी द्वारा किया गया था। आइए आपको सुनाते हैं इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने और क्या कुछ कहा है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कोई एक ही रीज़न बताना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसे कहते हैं कि मुंबई में बहुत बार जिस तरह की लाइफस्टाइल है कि बहुत जल्दी से जल्दी सेटल होना है और उसके लिए कम से कम एफर्ट्स डालने हैं, और यूजुअली ये सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन जो है उसके लिए एक डेडिकेटेड एफर्ट जरूरी होता है। तो बहुत बार एक पीयर प्रेशर जब होता है कि एक कैंडिडेट बाहर निकलता है तो देखता है कि मेरे साथ वाले जो है उन्होंने ये कोर्स कर लिया, वो कोर्स कर लिया, वो उन्हें जॉब लग गया और मैं अपना कीमती एक या दो साल वेस्ट कर रहा हूँ। तो शायद उसके लिए जो एस्केप वेलोसिटी चाहिए वो एस्केप वेलोसिटी कैंडिडेट्स में कम होती है। यहाँ पे टैलेंट की कमी होगी ये कोई मान ही नहीं सकता है, टैलेंट 100% यहाँ पे होगा, लेकिन टैलेंट के बावजूद जिस तरह का एक एटमॉस्फेयर यहाँ पे बना हुआ है, राइट टाइम पे उसके बारे में पता नहीं होता है। जो पता होता है वो हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो राइट अप्रोच नहीं होना, राइट एटमॉस्फेयर नहीं होना और राइट इन्फॉर्मेशन नहीं होना, ये रीज़न है। और उस वजह से मुंबई जो एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी इंडिया का है वहाँ से बहुत कम पैमाने में स्टूडेंट निकलते हैं, और अभी फ़िलहाल जो निकल रहे हैं वो अपने इंडिविजुअल मेहनत से निकल रहे हैं, उसके लिए कोई इंस्टीट्यूशनल हेल्प हो रही है ऐसे कोई बोल नहीं सकता है। कि बहुत बार कि हम जब कोई एग्जाम्पल हमारे सामने होता है तो शायद एक सचिन तेंदुलकर जब निकला तो सचिन तेंदुलकर को देख के अभी अब अगर मुंबई के ग्राउंड्स देखने जाओगे तो हर पिच पे स्टूडेंट आपको देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे जो है वो कर रहे हैं। तो अपने सामने अगर कोई एग्जांपल हो तो उस तरफ रुझान होता है। जैसे आपने यूपी और बिहार का कहा कि वहाँ पे गांव-गांव में जब जिस तरह से सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हुए तो उसमें वो इंस्पिरेशन और बच्चे लेते रहे। अगर उन्होंने सोचा कि ये हमसे पहले होने वाले लोग JNU में एडमिशन लिए हैं तो उन्होंने पहले JNU के लिए कोशिश की, JNU में जाके किया, JNU का शायद जो सिलेबस है और JNU का जो स्टडी पैटर्न है वो इन एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा कंजूसिव था, तो उस वजह से वहाँ से कैंडिडेट हुए। यहाँ पे कोई रीजनल ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब कोई मतलब सक्सेस ब्रीड्स सक्सेस जिसे हम कहते हैं कि सक्सेस को जन्म देता है, ये एक रीज़न रहा होगा। अभी अब अगर देखो तो महाराष्ट्र के कई डिस्ट्रिक्ट्स में जब कैंडिडेट्स हुए तो उनका देख के उनके पीछे बहुत सारे अलग अलग सालों में कैंडिडेट्स सिलेक्ट हो रहे हैं। और जो टेक्नोलॉजी की बात अभी हो रही है, मेरे ख्याल से अभी भी बहुत सारी जगह पे हम UPSC का ट्रेनिंग दे रहे, कोचिंग दे रहे, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हमेशा ओपन हुई, लेकिन बहुत बार कैंडिडेट को वही लगेगा कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मुझे ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। और वही है कि एक एक कैंडिडेट को कैटर करने के लिए अगर कितने भी रिजनेबल रेट में देना चाहे तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा कि उतने कम रेट्स में अच्छी क्वालिटी का। लेकिन टेक्नोलॉजी इस गैप को कम कर सकती है। टेक्नोलॉजी जो है कि एक वक्त में अभी मेरे ख्याल से ये ऑर्गेनाइजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशली टाटा नेल्को, कि उन्हें ये बताना जरूरी है कि ऑनलाइन और इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन है और इसमें कि जब ये जिस तरह के लेक्चर्स होंगे तो उसमें लाइव का फील किस तरह से आएगा। 100 से ज़्यादा कॉलेजेस जब इसमें पार्टिसिपेट हो रहे तो उस कॉलेजेस को अगर वही कोचिंग वही ट्रेनिंग उनके स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज में 3 साल का जब वो ग्रेजुएशन कर रहे या 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे उसी वक्त अगर मिले तो मेरे ख्याल से उनका बहुत कीमती वक्त है वो वेस्ट होने से बचेगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता चल जाएगा अपना कैलिबर है और जो सच में उस लायक है वो और ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे और उससे
हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस यूपीएससी और एग्जाम्स में महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स का देख पाएंगे। ऐसा देखिए जो आने वाले दिनों में यूपीएससी एमपीएससी के बच्चों को कारगर साबित। देखो ये वी सेट का एक मतलब ये है कि इसमें ना टू वे कम्युनिकेशन, जैसे सर ने अभी बोला कि टू वे कम्युनिकेशन में हम लोग तो जूम भी है, गूगल मीट भी है, वहाँ से भी ऑनलाइन लेते हैं, लॉकडाउन में सब लोगों ने लिया वो और इसमें बहुत फ़र्क है। इसमें यह फ़र्क है कि क्लासरूम में स्टूडेंट बैठा है उसको क्लासरूम का फील आएगा और वो सैटेलाइट के थ्रू टू वे कम्युनिकेशन इन द सेंस मीन्स उसको पूरा फील रहेगा कि मैं क्लासरूम में बैठा हूँ, मुझे टीचर पढ़ा रहा है, वो इंटरेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। उसमें डाउट सॉल्विंग, कॉम्पिटिशन, टेस्ट सीरीज, मटेरियल वो सब इंक्लूडिंग रहेगा, इसलिए उसको क्लासरूम का फील आएगा। और जो दिल्ली बेस्ड फैकल्टी है, जो पुणा बेस्ड फैकल्टी है, जो कोर फैकल्टी है, जो यूपीएससी की एस्पिरेंट के लिए जो प्रॉपर जो वैल्यू एडेड जो इनपुट देने होते हैं, वो लेवल की फैकल्टी का गाइडेंस उसको क्लासरूम में इनहाउस मिलेगा ऑनलाइन के थ्रू। या ऑनलाइन इसका मतलब अपना ऑनलाइन का जो लास्ट कोविड में हमने जो फेस किया ऑनलाइन में, जैसे जूम और गूगल मीट, उससे बहुत डिफरेंट रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि ये वीसैट एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है, उसका सब मैक्सिमम स्टूडेंट को उसका बेनिफिट मिलेगा। अभी 100 कॉलेज नियर अबाउट मीन्स हर कॉलेज में से हम लोग 100 स्टूडेंट भी पकड़ेंगे तो भी 10,000 स्टूडेंट नियर अबाउट वो एक लेक्चर को मिस सुन पाएंगे, उससे इंटरेक्शन होगा। जो स्टूडियो का ऐसा फॉर्म रहेगा जो हर स्टूडेंट से हम लोग इंटरेक्ट कर सके, स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन पूछ के उसका आंसर उसको मिल सके, ये लेवल का एक नया इनिशिएटिव है। ये रिलायबल ने और टाटा मिलकर दोनों ने इनिशिएटिव लिया है। देखो ये पायलट प्रोजेक्ट है 100 कॉलेज के लिए, यहाँ सक्सेसफुली मुंबई में हम लोग रन करेंगे तो उसका जो भी आउटपुट मिलेगा वो सेम बेसिस पे हम लोग जो भी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, जो भी रूरल कॉलेजेस है वहाँ ये सब इनिशिएटिव हम लोग लॉन्च करेंगे और दिल्ली बेस्ड और मुंबई बेस्ड टॉप फैकल्टी से उनको नर्चर करेंगे, कंप्यूटर एग्जाम्स का प्रॉपर गाइडेंस बेसिक से लेके एडवांस तक उनका जो सिलेबस ओरिएंटेड उनको जो पढ़ाएंगे ना उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मिस ये रूरल एरिया तक भी ये जाएगा सब, इसके लिए पहले ये पायलट प्रोजेक्ट हमने पहले मुंबई जोन के लिए इस्टेब्लिश किया है, वहाँ हम जो भी स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर पाएंगे तो हम रूरल एरिया के ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। पहले तो हमें सिटी के स्टूडेंट जो है उनको अवेयर करना है और उनके यहाँ वो अवेयरनेस के बाद उनको रिजल्ट देना है, सेम साइमल्टेनियसली हम लोग साइड बाय साइड हम लोग रूरल एरिया के लिए भी डेवलप करेंगे।